तो एक मासूम पहले से ही थैलेसीमिया की बीमारी से पीड़ित था, लेकिन जिंदगी के लिए जिस खून पर भरोसा किया उसके साथ भी आरोप है कि रिम्स प्रबंधन ने भारी लापरवाही की। लापरवाही ऐसे ही कि अब उसे HIV पॉजिटिव का शिकार बना दिया। रिपोर्ट के बाद परिवार वाले हैरान हैं, लेकिन रिम्स प्रबंधन जिम्मेदारी से भाग रहा है। रांची में रिम्स ब्लड बैंक और प्रबंधन पर फिर एक संगीन आरोप है, मुफ्त में HIV बांटने का आरोप। एक दो नहीं बल्कि जिन 5 बच्चों को इलाज के दौरान HIV पॉजिटिव पाया गया उन्होंने रिम्स से खून लिया था। इन्हीं में से एक बच्चे की खबर जी मीडिया को मिली जिसे आखिरी बार जुलाई 2018 को रिम्स में खून चढ़ाया गया था। बाद में उसकी जांच रिपोर्ट HIV पॉजिटिव आई। परिवार में तो किसी को आज तक अभी किसी को HIV नहीं है। बच्चे को तो हमको यही लग रहा है कि जब हम रिम्स में जब ब्लड चढ़ाए हैं, रिम्स में 3 साल से रेगुलर चढ़ाते थे और जब सदर हॉस्पिटल गए तब हमको पता चला कि इसका ये है HIV। रिपोर्ट आने के बाद जैसे परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे का इलाज कोलकाता तक कराया गया लेकिन कहीं भी HIV पॉजिटिव नहीं पाया गया। ये रिपोर्ट है जिसमें HIV नेगेटिव दिखाया गया है और फिर लगातार रिम्स में बच्चे का इलाज चलता रहा और रिम्स में भी इस बात का कहीं पर भी जिक्र नहीं था कि बच्चे को कहीं से भी कभी भी HIV रहा है। लेकिन जब आखिरी बार रिम्स में ब्लड लिया गया उसके बाद जब सदर अस्पताल पहुंचे इलाज कराने के लिए जो परिजन हैं तो इन्हें पता चलता है कि बच्चे को HIV पॉजिटिव है। उधर सिविल सर्जन ने भी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। रिम्स में ऐसे होने की संभावना मुझे नहीं लगती कि कोई भी संभावना ऐसी होती, क्योंकि रिम्स में जो पैक्सेस चलता है वो पैक्सेस चढ़ाने के पहले हर तरह का टेस्ट कर लिया जाता है। हालांकि रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप ने कहा कि जो भी ब्लड रिम्स के ब्लड बैंक में आते हैं उन्हें विभिन्न जांच प्रणालियों से गुजरने के बाद ही मरीजों तक पहुंचाया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार लापरवाही कहां हुई है। हम लोग तो डोनर्स पे निर्भर है, तो जो डोनर्स आते हैं चाहे वो रिप्लेसमेंट डोनर हो या फिर वॉलंटरी डोनर हो, तो उनके द्वारा आए हुए ब्लड का हम लोग पूरा गहन जांच करते हैं, उसमें सारा टेस्ट होता है HIV सहित। तो इसलिए हमारे ब्लड के द्वारा होना मुझे तो मतलब नहीं लग रहा है। लोग से कहते आ रहे हैं जिसको लेके मैंने PIL फाइल किया था कि ये जो रिप्लेसमेंट है ना इसको बंद करने की जरूरत है। अनसेफ ब्लड रिप्लेसमेंट से ही आता है, उसी से प्रोफेशनल डोनर्स आते हैं, उसी से वो गलत लोग ब्लड डोनेट करते हैं जो आप अक्सर देखते रहते हैं कि किसी ने पैसे लेके ब्लड दिया। झारखंड की राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के ब्लड बैंक से मिले खून ने एक बच्चे के सामने जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा कर दिया है। तो रिसेंटली 1.5 साल पहले अनसेफ ट्रांसफ्यूजन होते हुए पाया था एक ब्लड बैंक में, बिरसा ब्लड बैंक, जो कि बंद हो गया। अभी एक आर्ची ब्लड बैंक वो 4 महीने से सस्पेंडेड है एंड आई डोंट नो ये लोग वापस खुल जाएंगे। सो इट इज़ वेरी शॉकिंग। जो ब्लड बैंक किसी अस्पताल के साथ मिलकर अनसेफ ब्लड चढ़ा रहा है 1.5 साल पहले उसको नाम मात्र के लिए 2 महीने के लिए सस्पेंड कर देते हैं। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे का 10 साल से इलाज चल रहा है, मामला संगीन है। सवाल है खून का एक गंदा खेल कब बंद होगा और सबसे बड़ा सवाल कि जब रिम्स जैसे अस्पताल पर ये सवाल उठने लगे तो बेहद पुख्ता जांच जरूरी है। सौरभ शुक्ला के साथ कामरान, जी मीडिया, रांची।